हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शिवाला आर्ट्स। एंड आज मैं जा रही हूँ और ब्लेसिंग लेने जा रही हूँ। माँ सरस्वती की पूजा है, अटेंड करने जा रही हूँ। हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल माय फ्रेंड्स। आप सबको बसंत पंचमी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की ब्लेसिंग सब के ऊपर हो, और स्पेशली ख़ासतौर से हम जो आर्टिस्ट हैं और ऑब्वियस विद्यार्थी भी इसमें इन्वॉल्व है, तो माँ सरस्वती की कृपा सब में बनी रहे और हमारे लिए भी थोड़ा ब्लेस कर दीजिएगा माँ सरस्वती के सामने। तो आज मैं यही कहना चाहूँगी कि जहाँ मैं आज जा रही हूँ ना, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी मतलब जगह है, और मेरी जो करियर में जो बहुत बड़ा हिस्सा है, जो मेरे गुरुजी हैं श्री रिंकू दास गुप्ता जी, उनके घर पे मैं जा रही हूँ और उनके घर पे पूजा है। उन्होंने इन्वाइट किया है, भाभी भैया ने दोनों ने, और वो मुझे मेरे एक्चुअली राखी ब्रदर भी है, और तकरीबन हमारे रिलेशन को हो गए हैं अराउंड 30 ईयर्स हो गया है। मतलब काफ़ी साल पहले से मैं गाना सीखती आ रही हूँ, और अभी रेगुलरली तो नहीं सीख पाती हूँ, मगर जब भी जाती हूँ उनके पास और वो आते हैं तो मैं उनकी ब्लेसिंग ले लेती हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं उनके पास जा रही हूँ और घर से निकली हूँ, सो आगे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से पहुँचना है। और हम लोग गोरेगांव की तरफ जा रहे हैं अंधेरी से। और आप अपने बारे में भी कुछ बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं भी जानना चाहूँगी जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और आगे देखेंगे, तो किस तरीके का आप चाहते हैं कि शिवाला ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉगर। वैसे मैं कुकिंग का भी ब्लॉग्स डाल रही हूँ, और बेसिकली जो मैं आर्टिस्ट हूँ वो मेरे जो जर्नी है, तो उसके बारे में मैं धीरे धीरे ओपन आप लोगों को करूँगी। तो क्योंकि एक साथ अगर मैं कहानी सुनाने लगी तो मे बी बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऑब्वियस है। और रास्ता बिल्कुल खाली है, हम जा रहे हैं, और मुझे बहुत एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं सोच रही मैं क्या बोलूँ अभी। तो मुझे ज़्यादा मिलेंगे, दादा के साथ मिलूंगी और आशीर्वाद लूंगी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लूंगी। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम दादा मिले थे ना, और मुझे मिलाया किसने, एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरे लाइफ के लिए बहुत बड़ा दिन था। एक्चुअली मैं गई थी ऑस्ट्रेलिया मोहम्मद अजीज जी के साथ। उस टाइम पे सिंगिंग मैं कर रही थी, मगर मैंने क्लासिकल प्रैक्टिस नहीं किया हुआ था, रियाज नहीं किया हुआ था। मैं फिल्म सॉन्ग्स गा लेती थी, बिकॉज मैं डांसर थी तो रिदम सेंस था, आवाज़ भी ठीक ठाक ही थी, मगर वो प्रैक्टिस नहीं थी क्लासिकल का। तो दादा के साथ जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई मुन्नादा के साथ, तो दादा के साथ मुझे गाना गाने का मौका मिला, और हम लोगों ने स्टेज पे गाया गाना आज कल और कुछ याद रहता नहीं, नगीना फिल्म का गाना था। तो दादा के साथ मैंने ये डुएट सॉन्ग किया था, और रफ़ी साहब का गाना था छुप गए सारे नज़ारे हुई क्या बात हो गई। तो दादा ने बोला, अरे शिवाला डांसर तो तू बहुत अच्छी है, ये तो सबको पता है, मगर सिंगर भी तू इतनी कमाल की है, तो तुझे तो क्यों नहीं थोड़ा ट्रेनिंग ले लेता है, मतलब क्लासिकल की ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लेती है? तो मैंने सोचा, मैंने बोला दादा को, दादा मैं क्लासिकल ट्रेनिंग किससे लूँ, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती हूँ जो मुझे सिखाए, और मैं जाके क्लास में सीखने के लिए इतना टाइम नहीं होता था, क्योंकि उस दौरान मेरे शोज, चार चार शोज करती थी मैं एक दिन में, महाराष्ट्र में और मुंबई में, और स्पेशली ना जो मुंबई में मैं मॉर्निंग शोज करती थी, सुबह 10 बजे से लेके शुरू होता था शाहरुखानंद में, और तकरीबन घर पे मैं आती थी 12-12:30 बजे, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं क्लास में जाके गाना सीखूँ। और सीखना तो था, तो दादा ने कहा मैं तुझे मिलाता हूँ, तू घर पर आ जा। तो कल्याण कॉम्प्लेक्स में मैं गई, दादा रहते थे वहाँ पे यारी रोड पे, तो उनके घर पे हमें अक्सर मैं जाया करती थी वैसे तो। तो स्पेशली दादा ने एक दिन बुलाया कि तू आ, और वहाँ मैं पहुँची तो मैंने देखा कि एक पर्सन बैठे हैं, पर बहुत सिंपल सा पर्सन, एकदम सीधा सीधे साधे, एक बहुत हम्बल टाइप एक पर्सन बैठे हैं। तो मैं चुपचाप बैठ गई। दादा फिर बोला कि ये शिवाला है, और सो दादा ने मुझे मिलाया रिंकू दास से,
मुन्ना दा का मैं जितना जितना शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है, क्योंकि दादा ने एक ऐसे इंसान से मिलाया जो क्लासिकल के गुरु थे उस टाइम पे, अभी भी इतने बड़े इंसान हैं और इतने हम्बल हैं। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुन्ना दा जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को भगवान शांति दें। और अभी पहुँच रहे हैं दादा के पास, देखते हैं। और आप अपने बारे में भी कुछ बताइएगा जरूर, क्योंकि मैं भी जानना चाहूंगी, ये जो मेरे ब्लॉग्स देखते हैं और आगे देखेंगे, तो किस तरीके का आप चाहते हैं कि शिवाला ज्यादा से ज्यादा ब्लॉगर। वैसे मैं कुकिंग का भी ब्लॉग्स डाल रही हूँ, और बेसिकली जो मैं आर्टिस्ट हूँ वो मेरे जो जर्नी है तो उसके बारे में मैं धीरे धीरे ओपन आप लोगों को करूँगी। तो क्योंकि एक साथ अगर मैं कहानी सुनाने लगी तो मे बी बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, तो ऑब्वियस है। और रास्ता बिल्कुल खाली है, हम जा रहे हैं, और मुझे बहुत एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मैं सोच रही मैं क्या बोलूँ अभी। तो मुझे दादा मिलेंगे, दादा के साथ मिलूंगी और आशीर्वाद लूंगी और माँ सरस्वती का आशीर्वाद लूंगी। और दादा का बेटा इतना बड़ा हो गया है। म्यूजिक जैमिंग इन सरस्वती पूजा, वीर एंड दादा। पूजा है, पूजा के लिए सकाळी पूजा के लिए सरस्वती पूजा, वसंत पंचमी आहे ना, सरस्वती पूजा के लिए सकाळी सकाळी हाय मा हाय और क्या है। बैगन भाजा, ये है बैगन फ्राई, बंगालियों का खास चीज है, हमारे पूजा में ना हमेशा इसे बनता है। और पांच प्रकार की भाजी बनाते हैं, मगर आज भाभी बना रही खिचड़ी, बनाया भाभी ने। हाँ भाभी खिचड़ी, खिचड़ी बनी बोडी और बेगुन फ्राई होच्छे, बेगुनटा धीरे धीरे फ्राई करे। और कढ़ाईटा की सुंदर, यार कढ़ाई जो है कमाल है, ये तो कलकत्ता का कढ़ाई लग रहा है मुझे। नहीं मतलब पीतल का कढ़ाई है, बेटे को उल्टा तो हम तो ये देखो बेगुन दारुन फटाफटी सजिए दो, दाओ सजाओ सजाओ। आहा क्या बात है, ओहो ओहो गरम गरम ना, गरम गरम बैगन फ्राई ब्यूटीफुल। विद्या कमला लोचने, विश्व रूपे विशालक्षी, विशालक्षी विद्यां देही, विद्यां देही सरस्वती नमो नमो, सरस्वती नमो नमो। अभी पिए राशि पंडित नंबर प्रणाम मान दिए। ओम सरस्वती, ओम सरस्वती नमो नित्यं, नमो नित्यं भद्रकाले, भद्रकाले नमो नमो, नमो नमो वेद वेदांग, वेद वेदांग वेदास्थानेभ्य, वेदास्थानेभ्य एवा, एवा च्वा स्वाहा, च्वा स्वाहा एसा, एशा सचंद्र पुष्पा, चंद्रन पुष्पांजलि बिल्लो पत्रांजलि, बिल्लो पत्रांजलि ओम सरस्वती नमो, ओम सरस्वती नमो। तीन बार है ओ सर, नीचे पर लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से लगे रिटर्न दिखते तो। ओम सरस्वती, ओम सरस्वती नमो नित्यं, नमो नित्यं भद्रकाले, भद्रकाले नमो नमो, नमो नमो वेद वेदांग, वेद वेदांग विद्यास्थानेभ्य, विद्यास्थानेभ्य एवच स्वाहा, एवच स्वाहा एषा, एषा स्वचंद्र पुष्पयुक्ता, स्वचंद्र पुष्पांजलि बिल्व पत्रांजलि ओम सरस्वती नमो, ओम सरस्वती नमो। दो ভজন কীর্তন আছে শুনছো, অনেক বাজে অনেক বাজে।
अरे ओम सरस्वती नमो नित्यं भद्रकालय नमो नमो वेद वेदांग विद्यास्थानेभ्य एवच स्वाहा एवा स्वचंद्र पुष्प वित्तांजलि ओम सरस्वती नमो पुनः मंत्र बोलो ओम सरस्वती महाभागे ओम सरस्वती महाभागे विद्य कमला लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यांदेही सरस्वती नमो नमो और क्या बोलो ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्या देही सरस्वती नमो नमो विद्या देही म्यूजिक देही सरस्वती नमो नमो दादा ने ट्रेन किया मुझे कुछ नहीं आता था क्लासिकल अभी भी कुछ भी नहीं आता है बहुत टैलेंटेड है दादा ने ट्रेन किया और मुन्ना दा ने मोहम्मद अजीज जी ने मिलाया मैं कोटि कोटि प्रणाम बहुत टैलेंटेड है वो इतना टैलेंटेड है क्या बोलूं नहीं नहीं वो इतना टैलेंटेड है ना मैं क्या बोलूं इतना टैलेंट इसका टैलेंट का कोई ये नहीं है बहुत टैलेंट शी इज वेरी टैलेंटेड ये मानता हूं मैं नहीं 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 वो बहुत टैलेंटेड है तो मैं क्लास में दादा धन्यवाद तुम्हें तुम यह तो टाइम दिए छो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सो दोस्तों यह ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ लाइक माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो शेयर माई चैनल और हमेशा मैं जो बोलती हूँ कि शिवाला जितना आपसे प्यार करती है उससे कई गुना ज़्यादा आप सम्मान प्यार रिस्पेक्ट देते हैं देते रहिए इस तरीके से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बाय हैव ए नाइस डे थैंक यू सो मच